भारत में नवंबर से लेकर मिड दिसंबर के बीच में 35 लाख शादियों पर लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। पीएल कैपिटल प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि 2023 में इसी टाइम ड्यूरेशन में 32 लाख शादियां हुई थी, जबकि यहां पर जो शादियों का अनुमान लगाया गया है वो 35 लाख शादियों का अनुमान लगाया गया है। बैंड बाजा बारात मार्केट्स टाइटल वाली रिपोर्ट में बताया गया कि जुलाई में बजट में जो सोने पे इम्पोर्ट ड्यूटी हटाई गई है उससे कहीं ना कहीं जो आने वाले त्योहार है और जो शादी का सीजन है वहां पर बड़े खर्चे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और सोने में आयात शुल्क यानी इम्पोर्ट ड्यूटी हाल ही में जो कम कर दी गई है वो 15% से घटाकर 6% कर दी गई है, जिससे देश भर में सोने की डिमांड में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और स्पेशली इस सिचुएशन में जब भारत में जो त्योहारी सीजन है और शादी का सीजन है वो लगभग एक साथ ही शुरू होने वाला है और इस दौरान जो सोने की खरीदारी है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी और यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। रिपोर्ट में बताया गया कि सोने की कल्चर एंड रिलीजियस इंपोर्ट और वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट के रूप में इसकी स्थिति देखते हुए इसकी जो डिमांड है उसमें कहीं ना कहीं जैसे प्राइस कम हुआ है तो प्राइस कम होने से इसकी जो डिमांड है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो रिपोर्ट्स में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के एक सर्वे का हवाला देते हुए बताया गया कि 15 जनवरी से लेके 15 जुलाई के बीच में यानी साल 2024 के इसी ड्यूरेशन में जो शादियां हुई थी वो 42 लाख शादियां हुई है देश में, जिस पर लगभग 5.5 लाख रुपए का खर्च होने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारत में जो शेयर मार्केट है उसमें त्योहार और शादियों के मौसम में क्या किन किन स्टॉक्स में इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है या किन पे इसका असर देखने को मिलता है, तो इसका जो मेन असर देखने को मिलता है वो ये होता है कि यहाँ पे कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ती है और जब कंज्यूमर की स्पेंडिंग में ग्रोथ होती है तो इससे रिटेल, हॉस्पिटेलिटी, ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स के जो स्टॉक है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है।